एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रश गौरी। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं और बेहद ही सुखद वाली खबर के साथ हम खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। पद्म विभूषण पंडवानी गायिका तीजन बाई के जीवन पर जल्द ही हिंदी फिल्म बनने वाली है। उनका किरदार बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन और उनके नाना का किरदार महानायक अमिताभ बच्चन निभाएंगे। इस सिलसिले में तीजन बाई से मुलाकात करने और छत्तीसगढ़ी भाषा सीखने के लिए विद्या बालन जल्द ही रायपुर आएंगी। तीजन बाई गायन के क्षेत्र में देश और विदेशों में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी हैं। फिल्म निर्माता कंपनी ने तीजन बाई के साथ औपचारिकताएं भी पूरी कर ली हैं और उनकी सहमति भी ले ली है। अब सिर्फ इंतजार है फिल्म निर्माण के काम का शुरू होने का। संभावना जताई जा रही है कि अगले साल फरवरी मार्च से शूटिंग शुरू हो जाएगी। और नाना से आपको बता दें कि नाना के किरदार में यहाँ पे किस तरह से अमिताभ बच्चन है और वो अपने नाना से किस तरह से इस शैली को उन्होंने सीखा था, इन तमाम चीजों से इस फिल्म में फिल्मांकित इसमें किया जाएगा। सुप्रिया पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं, जिनसे जान लेते हैं क्या कुछ और विशेष रहने वाला। सुप्रिया, एक बेहद ही सुखद और अच्छी खबर ये छत्तीसगढ़ के लिए भी है, क्योंकि ना केवल छत्तीसगढ़ की ये कलाकार हैं बल्कि देश विदेशों में भी इन्होंने अच्छी खासी ख्याति पाई हुई है, कमाई हुई है। अब देख रहे हैं कि इनके ऊपर एक फिल्म भी बनने जा रही है। जी बिल्कुल, तीजन बाई जो है वो छत्तीसगढ़ की अच्छी कलाकार मानी जाती है और इनकी जो पहचान है वो देश और विदेश में भी है। हाँ, ये जो पंडवानी गायिका के नाम से तीजन बाई काफी प्रसिद्ध है, ये इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मान प्राप्त हो चुका है। तो उनकी जो है बायोपिक बनने वाली है और इस बायोपिक में किरदार विद्या बालन निभाएंगे और इनके नाना का किरदार बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन इस किरदार को निभाएंगे। बता दूं कि तीजन बाई बचपन से ही उन्हें उनकी नाना महाभारत को सुनाते थे तो उन्हें वो कंठस्थ याद रहता था और वो कंठस्थ याद करके भी उसे पंडवानी में शामिल करती थी। तो इस तरीके से यहाँ पर विद्या बालन की भी खबर है कि वो यहाँ पर आकर छत्तीसगढ़ी भाषा में भी जो है वो बात करेंगे, उनसे उनकी बोलचाल की जो तो ये तमाम जो बातें हैं वो भी निकल कर सामने बायोपिक बन रही है। और जाहिर सी बात है कि अब जिस तरह से अभिनेत्री विद्या बालन रायपुर पहुंचेंगी, जल्द से जल्द पहुंचेंगी, तो जाहिर सी बात है कि किस तरह से बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे तीजन बाई की है, किस तरह से उनका बात करने का सलीका है, क्या उनको खाने पीने में पसंद है, तमाम चीजों को यहाँ पे विद्या बालन आत्मसात करने की कोशिश करेंगी। जी बिल्कुल, विद्या बालन यहाँ पर इसलिए आ रही है क्योंकि तीजन बाई की जो बॉडी लैंग्वेज है वो सीख सकी और इसके साथ ही विद्या बालन छत्तीसगढ़ी जो है वो भी सीखने की तैयारी कर रही है, क्योंकि तीजन बाई की जो बोली है वो छत्तीसगढ़ी है और वो छत्तीसगढ़ी सीखने के लिए भी खास तौर पर रायपुर आ रही है और रायपुर आने के बाद वो तीजन बाई से मुलाकात करेगी। तीजन बाई की फिल्म निर्देशक से बातचीत भी हो गई है और इस सिलसिले में पिक्चर बनने की जो बात है वो भी बातचीत का सिलसिला जो है वो भी पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर तमाम जो प्रक्रियाएं वो पूरी हो चुकी है, बस इंतजार है तो विद्या बालन से रायपुर आने का। वो रायपुर आएंगी और तीजन बाई से और जो तमाम जो उनकी शैली है, जो उनकी बोली है, तो तमाम चीजें सीखेंगी, उसकी बात वो फिल्म में उस अभिनय को वो वहाँ पर उतारेंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।